सो हाउ टू डू द फोर ईयर मूविंग एवरेज, पहले तो इसमें टेंशन क्या है, तीन साल वाले में बीच का साल मिलता है अपने को, पाँच साल वाले में मिल जाता है, फोर ईयर वाले में मिडल ईयर नहीं मिलता है, अगर टू ऊपर ईयर टू नीचे तो बाकी बीच का ईयर, तो हम लोग जब करेंगे टोटल तो ब्लैंक ईयर आएगा, ब्लैंक यहाँ कोई ईयर नहीं रहेगा, सब गैप वाले में करना है, और गैप वाले में डायरेक्ट डिवाइड बाई फोर कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वो इधर गैप ईयर में आएगा, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर 81 और 82 के बीच वाले ईयर में ग्राफ बनाएंगे, नो दैट इज नॉट परफेक्ट वे। सो व्हाट टू डू, अब ये फोर ईयर का टोटल है और ये फोर ईयर का टोटल है, ये दोनों को टोटल कर दो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टोटल। अब ये फोर ईयर और ये फोर ईयर टोटल, ये एट ईयर्स का टोटल आएगा सर, ये एट ईयर्स का टोटल है, ऑफ एट से डिवाइड करो ये आ गया आपका फोर ईयर मूविंग ट्रेंड आ गया। अब इसमें ग्राफ किसको करना अपने को, फर्स्ट करो लेफ्ट द पहला अपना ग्राफ, तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या किया हूँ ईयर को ले लिया हूँ, और ऑन वाई एक्सिस देखा 242 मेरा लोएस्ट है, तो 242 से मैंने स्लैब बना लिया दोनों का, आप 22 का गैप ले सकते हो, 4 का गैप ले सकते हो, जो भी लेना है ले सकते हो आप। चलो पहले ओरिजिनल आपने शो करना है 1980 में 242 देन 253 कैसे आएगा, 232 एंड 54 के इन बिटवीन, टू फिफ्टी फोर एग्जैक्टली वी गॉट, टू फिफ्टी सिक्स में 257 262 268 and 260 क्या करना है, फोर इयर्स मूविंग एवरेज का करना है। 250 कौन सी ईयर में आ रहा है, 1982 में आ रहा, 1982 में 250 को करना है, 250
252.25 252. We have 4 years moving to you. पहुँच की तो क्वेश्चन 18 में 5 years का क्वेश्चन है, पर हम इसको 4 year करके कर देंगे। तो 4 year मूविंग एवरेज का क्या है अपने पास? ईयर एंड प्रोडक्शन, कैसे करेंगे हम लोग? 1980 उसके बाद एक साल का ब्रेक गैप रहेगा, ब्रेक लाइन 81 अगेन गैप 82 83 84 85 88 एक एक लाइन का लीव। नाउ यू गॉट 110 104 78 105 109 120 115 110 115 122 130। लोगों को 4 year मूविंग एवरेज चाहिए, कैसे करें 4 year मूविंग एवरेज? अरे 4 year मूविंग टोटल निकालना पड़ेगा, और टोटल 1 2 3 4 काल को भी इधर लिखेंगे, 2 साल ऊपर 2 साल गैप कुछ भी। अब एक बार आगे बाकी सबका गैप में आएगा, गैप में आएगा 1 0 1 1 10 1 0 4 78 105 3 97 104 78 105 109 396 78 105 109 120 16 110 4 years का टोटल। अब क्या करेंगे? सेंट्रल टोटल
सेंट्रल टूटा इंदर के बीच में ले जाएंगे। थ्री नाइन्टी सेवन प्लस थ्री नाइन्टी सिक्स सेवन थ्री नाइन्टी सिक्स प्लस फोर हंड्रेड ट्वेल्व चार चार आठ सौ आठ फोर हंड्रेड ट्वेल्व प्लस टू फोर्टी नाइन एट हंड्रेड सिक्सटी वन फोर फोर्टी नाइन प्लस फोर फिफ्टी फोर नाइन हंड्रेड फोर फिफ्टी फोर प्लस फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी टू फोर ट्वेल्व नाइन नाइन थर्टीन नाइन क्या आ गया फोर फोर ईयर्स का प्रोजेक्ट। अब फोर ईयर मूवी ट्रेन निकालना है सेवन नाइन्टी टू डिवाइड बाय एट नाइन्टी नाइन पॉइंट वन टू फाइव वन डिवाइड बाई एट इंटू इंटू वन जीरो वन एट सिक्सटी वन नाइन जीरो थ्री ये हो गया अभी एक टाइप का एक टाइप का तीन था थ्री इयर्स फोर ईयर एंड फाइव इयर्स पाँच के जी अभी एक था थ्री इयर्स फोर ईयर एंड फाइव ईयर मूवी कर दूसरा लीस्ट स्क्वायर मीटर लीस्ट स्क्वायर मीटर फिट अ स्ट्रेट लाइन फिट अ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो बाय लीस्ट स्क्वायर मीटर तो उसमें हम लोग का इक्वेशन लाइन जो है लाइन का इक्वेशन ट्रेन इक्वेशन लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ट्रेन इक्वेशन लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये मेन है मेरा और इसके अंदर a और b वैल्यू है उसको फाइंड करना है। इक्वेशन का लाइन होगा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बट हाउ टू गेट a एंड b a और b का वैल्यू फाइंड करना है और a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर मैं किसी भी तरीके से x का टोटल जीरो कर दी मुझे x का कॉलम रहेगा अपने को x का कॉलम y का कॉलम x का कॉलम कैसे भी जीरो हो जाए इफ x का कॉलम जीरो हो गया देन मतलब x का टोटल जीरो हो गया तो b इक्वल टू क्या आएगा समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर तो लोगों जो b का आंसर चाहिए हो समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और a का आंसर चाहिए समेशन y अपॉन n पहले कैसे भी x का टोटल जीरो होना चाहिए अगर x का टोटल जीरो है तो v का वैल्यू क्या आएगा समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और a का वैल्यू समेशन y अपॉन x लेकिन a और b का इतना इजी आंसर कभी मालूम पड़ेगा x का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो अगर x का वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो फिर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा फिर रॉन्ग है वो तो कैसे भी अपने को पहले x का वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा इफ एक्स का वैल्यू जीरो बी इक्वल टू समेसन एक्स वाई अपॉन समेसन एक्स स्क्वायर और ए इक्वल टू समेसन वाई अपॉन एन ए और बी मिल गया उसके अंदर दूंगा इक्वेशन मिल जाएगा ए था ट्रेन इक्वेशन का लाइन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स उसमें ए और बी का वैल्यू चाहिए ए और बी का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए पहले समेसन एक्स क्या होना चाहिए जीरो अगर समेसन एक्स जीरो है b इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर एंड a इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन
अब हाउ टू डू द समस्या एक्स का वैल्यू जीरो, अब जीरो कैसे करेंगे, तो जीरो करने के लिए दो तरीके, मतलब दो टाइप होता है। पहले चेक करो नंबर ऑफ ईयर क्या ऑड में है कि इवन में। जैसे देखो ये ईयर दिया हुआ है 90, 91, 92, 93, 94, ये ईयर दिया है। अबे 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑड नंबर, ऑड होता है विषम संख्या, तो विषम संख्या में भी दो इधर गया दो इधर गया, तो बीच का क्या आएगा, नहीं तो मिडल। तो क्या होता है एक्स इक्वल टू ईयर माइनस मिडल, तो ईयर 90 है माइनस मिडल, मिडल ईयर क्या है 92, 90 माइनस 90 क्या आएगा माइनस 2, ईयर 91 माइनस 92 माइनस 1 92 माइनस 92 93 माइनस 90, सब में से 92 प्लस करना है 1 94 1 92 चक्कर, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा जीरो रहेगा, माइनस 2 है इधर प्लस 2 है तो कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल जीरो हो जाता है जीरो रहेगा। तो कैसे करेंगे हम ईयर के लिए, पहले देखेंगे वो ऑड है कि इवन है, अगर ऑड है तो बीच का नंबर मान पड़ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू ईयर माइनस मिडल ईयर, तो पूरे ईयर में से क्या करेंगे मिडल ईयर को लेस करेंगे। लेकिन मान लो एक और डेटा देता हूँ तो 1995 आ गया, तो फिर कैसा आएगा, आई इसे मिडल लूँगा तो क्या आएगा 1, 2, 3 ऊपर गया 1, 2, 3 नीचे गया, बचा कौन सा, 3 ऊपर लिया 3 नीचे लूँगा तो बचेगा ही ना। तो क्या इसका फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू ईयर माइनस एवरेज ऑफ द मिडल अपॉन 0.5, एवरेज ऑफ द मिडल, दो ऊपर ले लो दो नीचे ले लो तो क्या बचा बीच में 92, 93, इन दोनों का एवरेज 92 प्लस 93, ये दोनों का एवरेज निकालो, कैसे करोगे 1992 प्लस 1993 डिवाइड बाई 2, 1992.5 है, आ गया एवरेज, ईयर माइनस एवरेज ऑफ मिडल अपॉन 0.5, 990 माइनस 992.5 अपॉन 0.5, इसको लेस करो माइनस 2.5 माइनस 5 आ गया पैसा भी 1991 माइनस 1992.5 अपॉन 0.5 माइनस 1.5 इसे सॉल्व करो माइनस 3 बराबर है, फिर 1992 माइनस 1992.5 अपॉन 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 1993 माइनस 1992.5 अपॉन 0.5 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 1 94 92.5 अपॉन 0.5 3 आएगा 95 माइनस 92 0.5 प्लस 5 बराबर है, अब तो माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 सब कैंसिल, तो 0 आएगा, ऐसा करके 0 कर देंगे। एक बार 0 आ गया तो फिर दीजिए बी का आंसर क्या आएगा, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर और ए इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एम,
तो ये दोनों रूल क्या है, एक्स को कैसे जीरो करना है, एक्स को जीरो करने के बाद काउंट कर लेना है, ये ऑड है कि इवन है, ऑड यानी विषम, इवन यानी सम, अगर विषम संख्या तो एक्स इक्वल टू ईयर माइनस मिडल ईयर, और अगर इवन रहेगा तो एक्स इक्वल टू ईयर माइनस एवरेज ऑफ द मिडल अपॉन 0.5। बस इतना ये रूल रहेगा, इसको अभी सब करेंगे, आप इतना कर लिए हो और इसका तो